मेरे भक्तों, आज मैं आपसे अपने चैनल परमात्मा की आवाज़ में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे भक्तों, आज मैं आपसे राधे राधे महामंत्र के विषय में बात करने जा रहा हूँ। कहते हैं राधे राधे एक महामंत्र है, जहाँ राधा हैं वहीं कृष्ण हैं। आपने समाज में अक्सर देखा होगा, लोग राधे राधे कहकर एक दूसरे का संबोधन करते हैं। ये मंत्र नहीं, बहुत बड़ा महामंत्र है। इसके जपने से जीवन धन्य हो जाता है तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं राधे राधे मंत्र का महत्व। मेरे प्यारे भक्तों, कहते हैं राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। प्राय आपने देखा होगा, राम राम, हरिओम, जय सिया राम, राधे राधे, इस प्रकार के संबोधन से प्राय हिंदू समुदाय के लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। राधा अष्टमी के दिन माता राधे की इस मंत्र से जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की प्रिया राधा रानी का नाम रटने से तमाम विपदाओं से मुक्ति मिल जाती है तथा तमाम देवी देवताओं की कृपा अपने आप हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम भी जपना चाहिए। कृष्ण बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राधे राधे बोलने से प्रेम प्रकट होता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधे राधे कहकर राधा को बुलाओ, कृष्ण अपने आप खींचे चले आएंगे। जहाँ भगवती राधा होंगी, वहाँ श्री कृष्ण अपने आप आ जाएंगे। भागवत में भी कृष्ण ने कहा है कि राधे राधा मेरी आत्मा है। मेरे भक्तों, राधे राधे बोलकर इंसान जीवन के सब दुखों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा वो विष्णु धाम को जाता है। मेरे भक्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।